नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम चंपई ने गढ़वा को 93 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को गढ़वा आगमन के दौरान 93 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 5 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया। इन योजनाओं में 7 करोड़ की लागत से कल्याणपुर में निर्मित नया समाहरणालय भवन, 15 करोड़ रुपए की लागत से बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क, 4 करोड़ रुपए की लागत से सोनपुरवा में निर्मित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, कन्या मध्य विद्यालय के मैदान में 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित फुटबॉल स्टेडियम तथा गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नीलांबर पीताम्बर बहुदेशीय संस्कृति भवन का मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर एवं फीता काट का उद्घाटन किया है। इस दौरान समाहरणालय परिसर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, समाहरणालय स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित, बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क में स्थापित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण, टाउन हॉल परिसर में स्थापित शहीद नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। वहीं रंका मोड़ घंटा घर के समीप इंदिरा गांधी पार्क में स्थापित इंदिरा गांधी की प्रतिमा, सहजना मोड़ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। स्पेनिश महिला से गैंग रेप के 3 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। झारखंड के दुमका जिले में स्पेन की महिला टूरिस्ट से गैंग रेप के 3 आरोपियों को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही महिला और उसके पति को भी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया। यहां 164 के तहत गैंग रेप की पीड़ित महिला और उसके पति का बयान दर्ज किया गया। बता दें, दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात को 7 अपराध कर्मियों ने स्पेन की महिला टूरिस्ट से गैंग रेप किया था। इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 3 अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी है। आक्रोश दिवस के रूप में मनेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का 51वां स्थापना दिवस। झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला का 51वां स्थापना दिवस समारोह 4 मार्च को आक्रोश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम को लेकर शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों को होर्डिंग व हरा झंडा से पार्क दिया गया है। शहरी क्षेत्र के मुख्य मार्गों में 2 दर्जन से अधिक तुरंत द्वार बनाए गए हैं। गिरिडीह झंडा मैदान में मुख्य समारोह होगा। यहां भव्य तैयारी की गई है। बता दें, स्थापना दिवस आक्रोश दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। इनके अलावा कई मंत्री विधायक तथा पूर्व विधायक भी मौजूद रहेंगे। राजनीति में एंट्री लेंगी कल्पना सोरेन। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने रविवार को एक बड़ा ऐलान किया है। कल्पना आज एक्टिव राजनीति में एंट्री लेंगी। इसकी जानकारी उन्होंने अपने पति के एक्स हैंडल से दी है। उन्होंने पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया शिबू सोरेन का पैर छूती नजर आ रही है। इस ऐलान के साथ कल्पना ने अपना आगे का प्लान भी बताया है। दरअसल हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनका एक्स हैंडल कल्पना सोरेन ही चला रही है। उन्होंने एक्स पर यह ऐलान करते हुए लिखा, कल गिरिडीह में झामो के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले आज झारखंड राज्य के निर्माता और झामुमो के माननीय अध्यक्ष आदरणीय बाबा दिसोम गुरु जी और माँ से आशीर्वाद लिया। आज ही सुबह हेमंत जी से भी मुलाकात की। मेरे पिता भारतीय सेना में थे, वह सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं। जमशेदपुर जुबली पार्क में उमड़ा जनसैलाब। जमशेदपुर में संस्थापक दिवस के मौके पर रविवार की शाम को जुबली पार्क की साज सजा देखने के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस से घुसने वाली सड़क हो या फिर साक्षी के तरफ की सड़क, हर ओर जाम की स्थिति बन गई। बता दें, बच्चे बड़े बूढ़े से लेकर महिला और पुरुष लाइटिंग देखने के लिए पहुंचे। जैसे ही लाइटिंग की शुरुआत हुई, वैसे ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों की भीड़ लग गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया था। पुलिस ने बारी बारी से वाहनों को पार कराया। सबसे ज्यादा भीड़ बाग ए जमशेदपुर के किरण स्टेडियम तक देखने को मिली है। वहीं जुबली पार्क गेट नंबर 1 के पास भी काफी जाम लग गया। इसके अलावा उपायुक्त कार्यालय के सामने वाली सड़क CFE के पास भी वाहनों का जाम लग रहा है। गोड्डा से अयोध्या के लिए 5 को रवाना होगी आस्था स्पेशल ट्रेन। अयोध्या में भव्य राम लला मंदिर के दर्शन को गोड्डा रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन आगामी 5 मार्च की संध्या 5 बजे खुलेगी। यह ट्रेन लगभग 1300 श्रद्धालुओं को लेकर गोड्डा से चलकर अयोध्या जाएगी। वहीं 9 मार्च को उक्त ट्रेन श्रद्धालुओं को वापस लेकर गोड्डा पहुंचेगी। इस संबंध में अयोध्या तीर्थ दर्शन समिति के संयोजक सुभाष चंद्र
यादव ने कहा है कि पूरे जिले के सभी शक्ति केंद्रों से तीन तीन सक्रिय कार्यकर्ताओं का चयन अयोध्या दर्शन के लिए कर लिया है। वहीं सारी व्यवस्था पूरी हो गई है। रास्ते में भोजन आदि का प्रबंध भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से किया गया है। स्पेनिश महिला से दुष्कर्म मामले की सीआईडी करेगी जांच। दुमका के हंसडीहा में 1 मार्च को हुए सामूहिक दुष्कर्म कांड की जांच सीआईडी भी कर रही है। रविवार को रांची से सीआईडी के सहायक निदेशक संतोष सुधाकर के नेतृत्व में एक टीम घटनास्थल पहुंची। टीम ने उस जगह को देखा जहां पर महिला व उसके पति रुके हुए थे। उस जगह को भी देखा जहां पर दुष्कर्म को अंजाम दिया गया था। टीम ने स्थानीय पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की है। वहीं फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं। फोरेंसिक टीम के सहायक निदेशक डॉक्टर रविन मिंज के नेतृत्व में डॉक्टर जहांगीर इमाम व अभिषेक साहू की टीम ने घटनास्थल से कपड़ा, हेलमेट व टुकड़ा, झाड़ियों में पड़ी घड़ी, हेलमेट में लगने वाली फ्लड लाइट को भी बरामद किया है। पूर्ण योजना और पूर्व योजना से 400 पार का संकल्प, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चुनाव कार्य का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि हर कार्यकर्ता एक बूथ एक गाँव को गोद ले, वहाँ सर्वाधिक वोट पार्टी के पक्ष में मिले, इसे सुनिश्चित करना भी हमारा दायित्व है। बाबूलाल ने कहा है कि पार्टी हमेशा पूर्व योजना और पूर्ण योजना पर काम करती है, जिसके कारण हमेशा सफलता मिलती है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के सभी विभाग महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करना है। प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता अब बड़े लक्ष्य को आसानी से पूरा करने के लिए अपने अपने विभाग के सुचारू संचालन में जुट जाएं। उन्होंने कहा है कि रोड मैप बनाकर काम करने से सफलता आसान हो जाती है। सीएम चंपई मंगलवार को पहुंचेंगे गोड्डा के महगामा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 5 मार्च मंगलवार को जिला के महगामा अनुमंडल मुख्यालय पहुंचेंगे। महगामा के महुआरा में ईसीएल के द्वारा बनाए जाने वाले 300 बेड के अस्पताल का शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा कई अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर शनिवार को डीसी जिसान कमर, पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना, राजमहल परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक एन नायक, अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महंगामा चंद्रशेखर आजाद के अलावा ईसीएल के पदाधिकारियों द्वारा अस्पताल निर्माण स्थल कृषि केंद्र महुआरा का निरीक्षण किया गया। इसके बाद ऊर्जा नगर राजमहल हाउस में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। गढ़वा के सभी पंचायतों में लगेगा हाई मास्ट लाइट। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर विधायक निधि से 800 हाई मास्ट लाइट लगाया जाएगा। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता व उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री मिथिलेश ठाकुर सोमवार को टाउन हॉल के मैदान में प्रातः 11 बजे इस योजना का शिलान्यास करेंगे। बता दें, जानकारी देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया है कि विधायक मत से गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों को विभिन्न गांवों में चौक चौराहों, हाट बाजार आदि सार्वजनिक स्थलों पर हाई मास्ट लाइट लगाया जाएगा। मंत्री ने कहा है कि झारखंड सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों को भी पूरी तरह से रोशन करने की योजना है। इस पर काफी तेजी से कार्य किया जा रहा है। स्पेनिश महिला से दुष्कर्म मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। झारखंड के दुमका में स्पेन निवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। रविवार देर शाम आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद पीड़ित महिला और उसके पति से मुलाकात की है। आयोग ने सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासन की लचर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए घटना को दुखद बताया। साथ ही पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए घटना में शामिल सभी आरोपितों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की ओर से डीजीपी को इस आशय का पत्र भेजे जाने से संबंधित जानकारी आयोग ने एक्स पर भी पोस्ट की है। इसी बीच दुमका के एसपी पीताम्बर सिंह खेरवा ने बताया कि पुलिस पीड़िता की मेडिकल जाँच समेत आवश्यक कार्रवाई कर रही है। झारखंड में 6 मार्च तक बारिश के आसार। झारखंड के कुछ हिस्सों में रविवार को ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई है। पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार आदि जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई। वहीं 4 मार्च को रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बता दें,
बारिश होने व बादल छाए रहने से राज्य के तापमान में उतार चढ़ाव भी होगा। अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है, वहीं न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि के आसार हैं। पूर्वानुमान के अनुसार 3-4 मार्च को बारिश होगी, लेकिन 5 मार्च को इसमें कमी आएगी। वहीं 6 से फिर बारिश के आसार हैं। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के चलते देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहेगा और बारिश का दौर जारी रहेगा। सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कुरूप प्रखंड अंतर्गत विधायक निधि से नव निर्मित ऊपरी कक्ष राजीव पढ़ा भवन का उद्घाटन किया गया। पाहन पुजार ने पारंपरिक पूजा पद्धति कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि आदिवासी सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उरांव ने कहा है कि यह हमारी पहचान है जिन्हें पुरखों ने हमें उपहार स्वरूप दिया है। आधुनिक युग में हमें अपनी पूजा पद्धति संस्कृति धरोहर एवं आदर्शों को हृदय में संजोए रखने की जरूरत है ताकि भावी पीढ़ी का भी धार्मिक संस्कृति उत्थान हो सके। इसी क्रम में विधायक निधि से कुरू प्रखंड में राजीव पढ़ा भवन में कक्ष का निर्माण किया गया। आज से वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए अभियान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर सोमवार से पूरे राज्य भर में मतदाता सूची में नाम सत्यापन करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर सोमवार को सभी बीएलओ को बूथ पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। आम लोगों से अपील की जा रही है कि बूथ पर पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम जाकर जरूर चेक कर ले। कई बार देखा जाता है कि किसी भी संगतिवश नाम कट जाता है, किंतु मतदाता इससे अनभिज्ञ रहते हैं। ऐसी स्थिति में मतदान के दिन उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो लोग अपना नाम चेक करने के लिए बूथ पर नहीं जा सकते, वे कम से कम इतना जरूर कर ले कि गूगल प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर उसमें अपना नाम सत्यापित कर ले। गांव में बकाया बिजली बिल को माफ करने का ऐलान। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार बकाया बिजली का बिल माफ करेगी। जिन घरों में बिजली का मीटर उपलब्ध नहीं है, वहां निःशुल्क मीटर भी लगवाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को झारखंड विधानसभा में की है। वे सदन में बजट सत्र का समापन भाषण दे रहे थे। सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जितना बिजली का बिल बकाया है, उस पर शीघ्र निर्णय लेकर उसे माफ किया जाएगा। सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है, इससे 30 लाख लोग लाभान्वित होंगे। सरकार की सोच जनता को रोटी कपड़ा और मकान देने की है। यहाँ हर किसान गरीब का बेटा पढ़ सके, इसलिए छात्रवृत्ति दोगुनी किया। भाजपा ने 5,000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए थे, हमारी सरकार ने 500 मोबाइल स्कूल खोलने की योजना बनाई है। आईपीएल डेब्यू से पहले रॉबिन मिंज का हुआ एक्सीडेंट। झारखंड के उभरते हुए विकेट कीपर बल्लेबाज रॉबिन मिंज आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले रोड एक्सीडेंट के शिकार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार जेएससीए स्टेडियम से प्रैक्टिस कर वापस घर लौटने के दौरान उनकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई। हादसे में रॉबिन मिंज घायल हो गए हैं, वहीं उनकी बाइक के परछक्के उड़ गए। रॉबिन के पिता ने उनके घायल होने की पुष्टि की है। बता दें, रॉबिन के पिता ने बताया है कि रॉबिन को हल्की चोट आई है, चिंता की बात नहीं है। फिलहाल रॉबिन डॉक्टरों की निगरानी में है। रॉबिन के घुटने में चोट लगने की बात सामने आ रही है। हादसे के बाद रॉबिन का आईपीएल को लेकर संशय की स्थिति बन गई है। सब कुछ ठीक रहा तो ही रॉबिन आईपीएल डेब्यू कर पाएंगे। झारखंड में लोस चुनाव की तैयारी तेज। लोकसभा चुनाव को लेकर अब झारखंड पुलिस को चुनाव मोड में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी और सभी जिलों के एसपी को चुनाव के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। चुनाव संबंधी प्रशिक्षण के लिए रविवार को सभी जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी और जिलों के एसएसपी व एसपी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आईपीएस एवी होमकर, मयूर पटेल, अश्विनी सिन्हा और धनंजय सिंह सभी पुलिस अधिकारियों को चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण देंगे। धन्यवाद।